जया कुंज बिहारी राधा माधव जया कुंज बिहारी जय गोपिया नवल्लभ जय गिरिवर धारे जय गोपिया नवल्लभ जय गिरिवर धारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जय यशोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तिरवन चारी राधा बिनोद बिहारी जय जामुन तिरवन चारी राधा रमण बिहारी Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 गौर सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्यलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं स्वयं का आलिंगन कर जब किए, इतने में श्री मुरारी गुप्त ने किया देखा जैसे श्रीमान महाप्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तब उन्होंने अभिष्ट होकर के उन्होंने गरुड़ गरुड़ बोल करके आह्वान जब किया, इतने में श्री मुरारी गुप्त ने गरुड़ का आवेश में आकर के उन्होंने श्रीमान महाप्रभु को उन्होंने कंधे पर ले लिया और कंधे में लेकर के महाप्रभु को घुमाया, घुमा करके फिर उन्होंने उनको नीचे रख दिया। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे मुरारी गुप्त रे दास जे प्रसाद पाई लो सही नदी आई भट्टाचार्य ना देख लो। कहते श्री मुरारी गुप्त का जो दास लोग थे उनका जो सेवक लोग थे, कहते जिन महाप्रभु का जो प्रसाद आशीर्वाद को प्राप्त किया है नवद्वीप में बड़े बड़े ब्राह्मण भी भट्टाचार्य भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं किए। बोले एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हैं मुरारी गुप्त घर गया, एक दिन श्री मुरारी गुप्त अपना घर में गए
अपना घर में जाकर के अपना पत्नी को बोले, पत्नी को बोले मैं भोजन करूंगा, इसलिए मुझे प्रसाद दो, मैं भोजन करना चाहता हूँ, बस बोले भोजन करना चाहता हूँ। तब श्री मुरारी गुप्त का पत्नी ने बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने भोजन बनाया, और भोजन बना करके पहले तो भगवान को खिलाएंगे, तो उन्होंने आविष्ट होकर के हैं घी चावल मिला हुआ घी को उन्होंने क्या कर रहे थे, पृथ्वी में फेंक रहे थे, बोले खाओ 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 बोल करके कर रहे थे। जब ऐसे अन्न दे रहे थे, भगवान स्वयं कहते ना भक्तर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए और अभक्तर द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। भक्त लोग भक्ति पूर्वक भगवान को जो कुछ देते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अभक्त अगर कोई दे तो जैसे दुर्योधन ने भगवान के लिए छापान्न भोग छत्रिस व्यंजन उन्होंने बनाया था, लेकिन कृष्ण कुछ भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन उन्होंने विदुर के घर में गए साग भाजी और कहीं उन्होंने केले का उन्होंने छिलका को खाए और खा करके बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाए दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाइयो, साग विदुर घर खाइ सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। भगवान प्रेम को द्वारा जैसे वशीभूत होते हैं और किसी को द्वारा भी इतना वशीभूत नहीं होते, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की मेवा त्याग साग विदुर घरे खाई खाए। यहाँ पर कौन दे रहे हैं, कहते मुरारी दे रहे हैं, हैं? इसलिए मुरारी दिल से प्रभु करे भोजन, कभु ना लंघे प्रभु गुप्तेर वचन। मुरारी गुप्त बोल रहे थे खाओ खाओ खाओ, मुरारी गुप्त हनुमान जी, हनुमान जी कैसे भक्त हैं, उनको बताए पांच तरह का भक्त है, हैं? पहले ज्ञानी भक्त, कौन ज्ञानी भक्त, श्री प्रहलाद महाराज, उसके बाद में ज्ञानी भक्त, उसके बाद में शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त कौन आए, श्री अम्बरीश महाराज, उसके बाद में आए प्रेमी भक्त, प्रेमी भक्त कौन है, श्री हनुमतलाल, उसके बाद में प्रेमापर भक्त कौन है, पांडव, उसके बाद में प्रेमातुर भक्त कौन, श्री उद्धव जी। इसलिए पांच तरह का भक्त है, कहते पांच तरह का भक्त में हनुमान जी कौन सा भक्त है, कहते ये प्रेमी भक्त है, ये श्री प्रेमी भक्त है श्री हनुमतलाल जी। अगर प्रेमी भक्त अगर भगवान को कोई वस्तु दे तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, जरूर ग्रहण करेंगे, इसलिए महाप्रभु उन्होंने बोले थे खाओ 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 खाओ, और महाप्रभु ने तो खाए खूब खाए, लेकिन खाने के बाद क्या नियम है, पानी देनी चाहिए, हम ठाकुर को पानी देते ना ग्लास में प्रसाद बात के बाद, लेकिन उन्होंने बोले तो खाओ खाओ खाओ, लेकिन प्रसाद देने के बाद उन्होंने महाप्रभु को पानी नहीं पिलाया, जो उन्होंने पानी नहीं दिया और घी भात था और पेट में गया तो अजीर्ण हो गया, महाप्रभु के पेट में अजीर्ण हो गया, अजीर्ण हो गया तो महाप्रभु दूसरे दिन आए घर में, मुरारी गुप्त घर में आए, हैं? मुरारी गुप्त घर में आ करके महाप्रभु बोले देखो मेरे अजीर्ण हो गया है, मेरे पेट में तुमने जो खिलाया मेरे पेट में हजम नहीं हुआ है, अजीर्ण हो गया है। बोले क्या अजीर्ण हो गया, बोले बेटा तेरा याद है कि नहीं, कल तुमने मेरे को क्या खिला रहा था, खाओ 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 बोले खिला रहा था कि नहीं, घी भात खिला रहा था, लेकिन घी भात तो खिलाया बाद में क्या है, पानी देनी चाहिए, पानी मेरे को दिया था, पानी नहीं दिया तो मेरा पेट खराब हो गया, लगता है तुमको अभी याद नहीं, अपना पत्नी को पूछ ले अपना, क्योंकि मुरारी गुप्त जिस समय दे रहे थे वो कृष्ण प्रेम में आविष्ट थे, उनको हुदहुद नहीं था शरीर को, प्रेम से दे रहे थे, और प्रेम से दे तो भगवान स्वीकार करते हैं, बोले तू अपना पत्नी को पूछ ले तुमने क्या मेरे को खिलाया था, इसलिए अजीर्ण पेट में तुमने खिलाया घी भात खूब तो खिलाया, लेकिन उसके बाद पानी नहीं दिया, अभी मेरा पेट में अजीर्ण हो गया, पेट में हजम नहीं हुआ,
इसलिए औषध दो। बोले क्या औषध? बोले पानी, पानी दो। फिर उन्होंने लुट में पानी दिया, महाप्रभु को पानी दिया, तो महाप्रभु गटगट करके सब पानी मिल गया है। उनकी लोहे का पात्र में महाप्रभु ने पानी ले लिया। इतने में कहते श्री मुरारी गुप्त इसको देख करके बोले देखो भगवान कितने दयालु और कितने भक्तवत्सल है। कहा मैंने बोल रहा था खाओ खाओ प्रेम में अभिष्ट होकर के मैं कहा फेंक रहा था, मिट्टी को नीचे फेंक रहा था ना, चावल और घी भात को फेंक रहा था, लेकिन उसको भक्त का दिया हुआ वस्तु है। कहते ना पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपरहित स्नामी प्रजतात्मन। भगवान कहते हैं अगर कोई प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक अगर मेरे को कोई कुछ देता है, भक्त पत्र पुष्प फल कुछ भी पानी क्यों नहीं दे, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। कैसे देनी चाहिए? बोले मैंने उसमें भक्ति को साथ में देनी चाहिए, मैं उसको जरूर ग्रहण करता हूँ। इसलिए इस चीज को देख करके मुरारी गुप्त तो रोने लग गए और उन्होंने महापुरुष का चरण में प्रणाम किया। कहते आज मेरे जीवन कृत कृत हो गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मुरारी गुप्त दास जे प्रसाद पाई लो से नदिया भट्टाचार्य ना दिख लो मुरारी गुप्त का। कहते जो उनको घर में सेवक है, सेवक लोग थे जो महाप्रभु का कृपा पाए, बड़े बड़े ब्राह्मण भी उस कृपा को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसलिए एक दिन मुरारी गुप्त सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कहते महाप्रभु का लीला समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन महाप्रभु का लीला समझना। वो क्या सोच रहे हैं पता नहीं कब ये क्या लीला करेंगे, ऐसे नहीं मेरे से आगे ये तो संसार छोड़कर नहीं चले जाएंगे हैं। जैसे हरिदास ठाकुर महाप्रभु बोले, बोले प्रभु आपका जो विरह लीला मेरे को मत दिखाया करो, पता नहीं आप मेरे को लगता है पता नहीं आप कब चली जाएंगे, आप जब चले जाओगे आपका विरह को मैं सहन कैसे करूं प्रभु, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जाने से पहले मैं अपना शरीर छोड़ दूं। क्यों? महाप्रभु भक्तों को इतने प्यार देते थे, इतने प्रेम देते थे, भक्तों को इतने प्यार प्रेम देते थे। हर भक्त सोचता था महाप्रभु सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते, मेरे को जितना प्रेम करते ना उससे ज्यादा प्रेम किसको महाप्रभु करते नहीं। उनका प्रेम ऐसे था हैं, इनका प्रेम ऐसे था। इसलिए हमारे जो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा मठ में जाते थे, सब भक्त स्वस्थ थे। महाराज जो किससे बात करते ना, किससे बात करते थे, सबको ऐसे लगता था शायद गुरुदेव ही मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे मेरे को जितना प्रेम करते हैं ना, और किसी को भी इतना गुरुदेव प्रेम करते नहीं, ऐसे बात करते समय ऐसे लगता था हैं। इसलिए महाप्रभु फिर तो चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को इतने प्यार इतने प्रेम देते थे, प्रेम में सारे भक्त लुटे हुए थे। इसलिए मुरारी गुप्त सोच रहे महाप्रभु कितने दयालु कितने कृपालु मेरे को कितने प्रेम करते हैं हैं। मैंने कहा चावल और घी को मैंने कहा मिट्टी में मैंने फेंका, लेकिन महाप्रभु उसको मिट्टी में फेंकने नहीं दिए और महाप्रभु उसको ग्रहण कर लिए। फिर पानी नहीं दिया तो दूसरे दिन आकर के क्या बोले, तो मेरे को पानी नहीं दिया खाना खिलाया, और मैंने कौन सा लोटे में लोहे के लोटे में दिया तो महाप्रभु गटगट करके पी लिया है। महाप्रभु नहीं देखे कौन सा पात्र में मेरे को पानी दे रहे हैं। इसलिए महाप्रभु इतने दयालु, ऐसे हो ना हो इसलिए मेरे से पहले महाप्रभु अगर अंतर ध्यान हो जाएंगे उनका विरह को मैं कैसे सहन करूं है। कहते ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कहते कभी कभी है महाप्रभु को लीला कभी कभी समझना बड़ा कठिन होता है हैं। कहते कभी तो भगवान का लीला भी कभी कभी समझना कठिन होता है। बोले कैसे? ये कभी कभी किसको संहार करते हैं हैं, कभी कभी किसको सृष्टि करते हैं। बोले कैसे? बोले उन्होंने सीता को उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा रावण को समेत पूरा लंका को सभंस में भगवान ध्वंस कर दिया, एकदम वंस समेत ध्वंस कर दिया। लंका में कोई व्यक्ति पुरुष नहीं रह गया, केवल स्त्रियां ही वहां पर रह गए थे हैं, वहां पर कोई रहे नहीं। बोले जिस सीता के लिए उन्होंने सबन समय पूरा रावण को ध्वंस किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर सीता को कुछ लोग हैं, कुछ लोग कुछ अपवाद करने पर हैं, जिस समय कोई एक धोबिनी थी, वो धोबिनी आ रही थी, आते समय बीच में एक नदी पार करना पड़ता, शाम हो गया था, रिमझिम बारिश हो गई थी,
जब उसने बोला मेरे को नदी पार कर दो, केवट को बोले देखो माता अभी शाम हो गया, अकेले तुम स्त्री हो, अकेली स्त्री हो, शाम हो गया, फिर ऊपर से बारिश हो रही है, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ इसलिए सुबह नहीं देगा, इसलिए मैं तुम्हें पार नहीं कर सकता। अगर और कोई लोग होते तो साथ में तो होता, अकेली स्त्री है, एक मर्यादा है, इसलिए उसको मजबूरी में क्या करना पड़ा, एक रात केवट को घर में बिताना पड़ा। जब उसने दूसरे दिन आई, पति ने पूछा बोले तुम दूसरे दिन कहाँ थी, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले मैं राम थोड़ी हूँ, रावण सीता को उठा करके ले गया और एक साल तक लंका में रखा। फिर राम ने क्या किया, जब सीता को वापस लाए फिर अपना वाम पार्श्व में बैठा दिया, ये कोई मर्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, मैं राम नहीं हूँ। लेकिन उसको ये पता नहीं था रावण ने जो सीता को उठा करके लिया था वो सीता ही थी नहीं, वो थी नकली सीता, वो थी नकली सीता, वो तो असली सीता थी नहीं। उधर रावण आने से पहले ही भगवान ने सीता को अग्नि को पास में रख दिए, कहते जब तक मैं ये असुरों को ध्वंस नहीं कर देता हूँ तब तक तुम ये अग्नि के शरण में रहो, क्योंकि सीता कौन, ये जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी, कहते हाँ अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, बोले सीता को स्पर्श क्या करेगा, कहते ये प्राकृत नयन में रावण सीता को स्पर्श करने का बात दूर है, कहते वो देख भी नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु जब दक्षिणी यात्रा में गए थे उसी समय में एक ब्राह्मण राम का एक भक्त था, ब्राह्मण बड़ा दुखी, बड़ा दुखी, बोले क्यों दुखी, बोले मैं तो प्राण त्याग दे दूंगा, मैं इसको कैसे सहन कर सकता हूँ, कहाँ मेरी माँ जो सीताराम को उपासना करते हैं उनके लिए सीता तो अपना माँ है, हैं सीता को माँ मानते ही, हमारी माँ रामचंद्र हमारे पिता है, हैं इसलिए इनकी इनका भावना है। कहते अगर मेरे माँ लक्ष्मी को रावण में कैसे हिम्मत हुआ और उसको पकड़ करके जोर जबरदस्त उसको रथ में बैठाया, पकड़ा कर उठ कर बैठाया जोर में और उठा करके ले गया, ऐसे कैसे सहन कर सकता हूँ, अरे मेरे माँ को रावण कैसे, बड़े दुखी होकर रो रहा था। जब महाप्रभु दक्षिणी यात्रा पर गए, जब महाप्रभु के पास में आकर दुखी होकर के उन्होंने ये सब बात को बताया, बोले मैं तो प्राण त्याग दे दूंगा, महाप्रभु सब जानते। फिर उन्होंने पुराने से श्लोक को उठा करके बोले देखो ये श्लोक को, देखो ये श्लोक में क्या हुआ, क्या लिखा हुआ, देखो रावण ने सीता को स्पर्श करने का दुर्ग बात उन्होंने देखा भी नहीं, उसको पहले ही उन्होंने कभी ये बात को लक्ष्मण तक भी नहीं जानते थे, हैं ये लक्ष्मण तक भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ, जो भगवान राम बोले लक्ष्मण सीता से जाओ, बोले क्यों, बोले सीता को लेना है ना, अभी ये सीता को ये अग्नि पार करके आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, बोले क्या लक्ष्मण इतने बिगड़ गए, बोले क्या सीता मेरी माँ है, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को जोर जबरदस्ती अगर उठा करके ले जाता है, हैं बिना चाहते हुए, इसमें थोड़ी उनका दोष है, और एक साल तो कहाँ गर्मी ठंडा बरसात पेड़ को नीचे बिताए, इतने कष्ट करके फिर वापस आएगा तो पर क्या, क्योंकि लक्ष्मण सीता को क्या मानता था, ये मेरी माँ है, मैं उनको बेटा हूँ, कहते बेटा कभी ये चीज को सहन कर सकता है। लक्ष्मण इतने बिगड़ गया भगवान राम के ऊपर में, बोले मैं आपका विद्रोह कर सकता हूँ। राम तो सुन करके अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले लक्ष्मण क्या बोलता है, मेरा विद्रोह करना। इतने में राम ने बोले देखो सीते, देखो लक्ष्मण, मैं अपना असली सीता को लेना चाहता हूँ। बोले असली, असली क्या है, फिर रामचंद्र ने दिखाया, बोले रावण आने से पहले मेरे को पता चले गया था, मैंने सीता को अग्नि को पास में शरण में दे दिया और नकली सीता को ले आया, है नकली सीता, ये सीता थी नहीं, वो नकली सीता थी, और असली सीता क्या करेगी, अग्नि में प्रवेश करेगी, नकली सीता प्रवेश करेगी, जो असली सीता है वो वहां से निकल करके असली सीता आ जाएगी। फिर तो लक्ष्मण का दिमाग ठंडा हो गया, उसका दिमाग फिर ठंडा हो गया। इसलिए यहाँ पर मुरारी गुप्त सोच रहा है, कहते क्योंकि कहते मुरारी हनुमान जी है, हनुमान के आराध्य देव माँ सीता है, कि माँ सीता है, कहते मैं कैसे चीज को सहन कर सकता हूँ, जिस सीता के लिए भगवान ने सात समुद्र को पार करके गए और मेरे को इतना दूर तक दूत रूप में भेजा, अपना अंगूठा दे करके, और मैंने जिस सीता के लिए लंका को मैंने जलाया, प्रभु जा करके स्वयं ध्वंस किया, फिर सीता को भगवान
वनवास कैसे दे दिया है? क्योंकि जब भगवान राम ने देखा है, जब राम ने गुप्त रूप में गए, सारा दुनिया में एक ही चर्चा है, सारा दुनिया में एक ही, अभी का तो समय था नहीं कलयुग में, अभी कलयुग में सब उल्टा हो रहा है। इसलिए पहले जगत में एक असत्य मिलना कठिन था, एक अपना गांव में, तुम लोग हम लोग तो गांव में सब रहे हैं, गांव में एक असत्य जो गांव में मिलना कठिन था, गांव में नहीं शहर में कोई एक असत्य, लेकिन कलयुग ऐसे युग आएगा ना, कलयुग में एक सत्य मिलना कठिन है, एक सत्य मिलना कठिन है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, ज्यादा लिखा पढ़ा कराएंगे तो क्या होगा? हाँ, स्त्री और पुरुष सब बराबर है, सब बराबर एक ही है, सब एक ही है, नहीं इसलिए कोई बोलता है क्या प्यार को नीचे हील जूता पहन कर बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसलिए इसलिए ये कलयुग है, इसलिए कलयुग होने का नाते, इसलिए इसलिए मुरारी ये चीज को सोच सोच करके सोच रहा था, मैं चीज को कैसे सहन कैसे करूं है, मेरी मैया सीता को भगवान राम ने लक्ष्मण को देख करके उन्होंने वनवास में भेज दिया, मैं कैसे ये चीज को सहन करूं, ये एक चीज है। फिर दूसरा चीज है, हैं कदे जादव प्राण समान, कदे जो जादव लोग है कौन है, उसे वासुदेव शंकर प्रद्युम्न अनिरुद्ध कृष्ण का जितने बच्चे लोग थे, कृष्ण का जितने एक एक पत्नी से दस दस बच्चे, एक एक बेटी उनकी हुई है, हैं सांब अनिरुद्ध कृष्ण समान, कृष्ण इनको प्राण से भी ज्यादा प्यार करने वाले, लेकिन क्या हुआ, कृष्ण उनको प्रभास क्षेत्र में लेकर के भगवान सबको संहार करवा दिया, सबको, उन्हें जो एरे का जो पेड़ हो गया था है, जो बज्र को घिस 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 दिया था, वो पाउडर बन गया था, वो किनारे में लगकर एरे का नाम का एक वृक्ष हो गया, और जो नोकिला थोड़ी सी एक था उसको पानी में फेंक दिया है, इसलिए वो एरे का वृक्ष हो गया था, बस सोम रस को पान किया और उसको उखाड़े, उखाड़ करके आपस आपस में मारपीट करना शुरू कर दिया, कृष्ण मना कर रहे थे लेकिन कोई माने नहीं, बस सर किसकी शरीर में लगे तो वहीं पर लुढ़क जाए, किसकी शरीर में लगे तो वहीं पर लुढ़क जाए, कृष्ण पूरा जद्दुवंश को संहार कर दिया। इसलिए ये मुरारी गुप्त तो सोच रहे हैं, जो जादव लोग भगवान के प्राण समान हैं, लेकिन महाप्रभु भगवान उनको संहार कैसे किया है, इनके संहार कैसे किया, इसलिए कहते ये चीज तो मेरा चिंता से बाहर है, बड़े चिंता में पड़ गए है, उनने संहार कैसे कर दिया, इसलिए इसको इसको ऊपर में श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, और हमारे महाराज भक्त नारायण गोस्वामी महाराज बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे हैं, कहते ये भी प्रश्न है, ये कैसे संहार कर दिया, इसका दो तीन कारण उसको बताया। पहला कारण बताया, कहते ठाकुर वैष्णव पद अवनिर सुसंपद, कहते ये पृथ्वी का वास्तव अलंकार किया है, वैष्णव लोग है, वैष्णव लोग ही पृथ्वी का वास्तव अलंकार है, इसलिए सुनो भाई हैया कमन, इसलिए वैष्णव लोग जन्म ग्रहण करने पर ये पृथ्वी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है, इसलिए कद भक्त देव हाथ उठाकर नृत्य करते स्वर्ग लोक में कल्याण होता है, जब कृष्ण कीर्तन में नृत्य करते उनका चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी धन्य मानती है, जब चारी तरफ में देखती है, देखते है प्रेम दृष्टि से, जितने दूर तक उनका दृष्टि जाए उतना दूर तक मंगल मंगल हो जाता है, इसलिए जगत में अगर एक वैष्णव जन्म ग्रहण कर लिया ना, वृंदावन दास ठाकुर कहते तहार प्रभावी कोटि जोजन निस्तार, इतने महिमा, एक वैष्णव शुद्ध भक्त जन्म ग्रहण करने पर तहार प्रभावी कोटि जोजन, समझो कितने करोड़ जोजन तक मंगल हो जाते हैं, मतलब एक वैष्णव जगत में जन्म लेने पर, इसलिए ठाकुर वैष्णव पद अवनिर सुसंपद सुन भाई हैया के मन, पृथ्वी का सुसंपद यही है, वैष्णव लोग है, अभी एक दो वैष्णव अगर आ जाए इतने महिमा, एक प्रभुपाद आए देखो दुनिया में उन्होंने क्या कर दिया है, सारा दुनिया को कृष्ण भक्ति में बना दिया है, कितने लोग उनकी कृपा से कितने लोग भक्त बन गए, और उनका नाती पोती परपोत्र होकर कभी कितना सारा दुनिया में भक्ति कर रहे सब के सब है, एक प्रभुपाद आकर कितने उन्होंने किया, इसलिए अभी ये पृथ्वी में बहुत सारे वैष्णव लोग हो गए, कृष्ण का जितने जितने सब बच्चे हैं ये कौन है, कृष्ण का सब नीचे चल रहे हैं, कितना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहावतरी, इसलिए कृष्ण का जितने बच्चे सब के सब कृष्ण भक्त हैं, साधारण व्यक्ति थोड़ी उनके बच्चे हो सकते हैं,
सब पृथ्वी पर संपत्ति। अभी एक उदाहरण देते हैं, एक स्त्री घर में शादी करके आई। जब शादी करके आई, पहले देखना आप लोग देखे होंगे गांव में, मैंने देखा अपना माँ को, तो हमने देखा पहले एकदम सर से लेकर प्यार तक अलंकार पहना करती थी, यहाँ ये नाक में, कान में, और यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, और हमारे चांदी की इतने मोटे मोटे, यहाँ पर इतने मोटे मोटे पूरा गोल करके, और यहाँ पर ये, और कमर में करधनी, गले में हार पूरा भर करके, प्यार में हैं इतने इतने, पहले इतने इतने पहनती थी। अभी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी में बहुत सारी संपदा हो गया है, बहुत सारी संपदा हो गया। और एक स्त्री जब इतने सारे अलंकार पहन कर चलती है ना, दस पंद्रह, मैंने एक स्त्री 10-15 किलो एकदम पहन लिया, सोना चांदी हीरे जवाहरा, बड़ी आनंद से खुश होकर चलती है, इतने मेरे अलंकार बहनी है, इतने अलंकार बहनी है, जो इतने अलंकार बहनी है। अब ये पृथ्वी भी कहते ठाकुर वैष्णव पद अवन सुसंपद, पृथ्वी का जो सुसंपद वैष्णव लोग हैं, अभी ये पृथ्वी में, पृथ्वी देवी इतने सारे वैष्णवों को अपना हृदय में धारण करते हुए, वैष्णव नहीं ये उनके अलंकार है, है इनके अलंकार है, और इतने अलंकार धारण करते हुए पृथ्वी, एक वैष्णव जन्म लेने पर इतने कल्याण, और इतने सारे वैष्णव जब हुए तो कितने पृथ्वी का कितना धन्य धन्य है, कितने धन्य धन्य। इसलिए ये पृथ्वी है बड़े सुंदर लज्जड़ श्रृंगार करके इतने सारे अलंकार को धारण करके चलती है। जो उदाहरण दिया, जैसे कि पत्नी जब घर में आई, पूरा 15-20 किलो पूरा सारा शरीर में हीरे जवाहरात लगा कर गए, पति ने देखा ये क्या है, 15-20 किलो सोना चांदी, हाँ देखने में अच्छी, वो पत्नी देखो मैं कितनी अच्छी लग रही, तो लगती तो अच्छी लगती हो, लेकिन 15-20 किलो लगा करके तुम चलती हो, मेरे को बड़ा कष्ट होता है, मेरे को बड़ा कष्ट होता है इतने, और तेरे तू तो अच्छी लगती हो, इतना बार क्यों धारण करते हैं, हम अच्छी लगे, अच्छी तो लगती हो लेकिन मेरे को कष्ट लगता है। पति ने क्या किया, उसको जो मोटे मोटे अलंकार था ना, पति ने सबको ये खोल करके रख दिया, खोल कर रख दिया, और 4-5 अलंकार, जैसे कानों में 2 कुंडल धारण कर दिया, नाक में जैसे एक नथनी होता है लगा दिया, सर पर एक छोटी सी सुंदर सी लगा दिया, और गले में एक सुंदर एक चेन व सुंदर का हार लगा दिया, कमर में पतली से करधनी, पैर में पैजा नुपुर पहना दिया, बोले इतना बहुत है, हाँ इतना तुम्हारे लिए बहुत है, हाँ एकदम 15-20 किलो पहन करके चलती हुई कष्ट लगता है, हैं इतने में बोले अच्छी लग रही है। कहते उसी तरह भगवान कृष्ण ने देखा ये पृथ्वी इतने सारे अलंकार की तरह विभूषित है, कृष्ण का पूरा परिवार, हाँ 56 कोटि जदुवंशी, इतने वैष्णव से, इसलिए भगवान ने देखा 2-4 वैष्णव रह जाएगा तो काफी है पृथ्वी के लिए, 2-4 वैष्णव काफी है। इसलिए भगवान ने क्या किया, प्रभास क्षेत्र में उनको ले गए, और लेकर क्या किया, आपस में लड़कर के जैसे खत्म हो गया, हम दिखाई बड़ा खत्म हो गया, फिर बात विश्वनाथ को ठाकुर बता रहे, तो फिर उन्होंने बताए है कितना, न जन्म कर्म वैष्णवा, न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानांच विद्यते, कहते जन्म वैष्णव का जन्म कर्म बंधन नहीं, क्योंकि विष्णु महो मनीषिण, ये भगवान की नित्य परिकर है। इसलिए फिर उन्होंने उदाहरण दिया, क्या उन्होंने उदाहरण दिया, बोले जो दिखाई बड़ा मर गए, तब उन्होंने उदाहरण दिया, कहते जगत में साधारण एक जादूगर है, जो पिछली सरकार गुरुदेव बोलते, एक समय गुरुदेव खुद बोल रहे थे, मैं एक बार पिछली सरकार का जादू देखने के लिए गया था, पिछली सरकार पूरा प्रसिद्ध जादूगर है, उसने क्या किया, एक करके ना एक बच्चे को पूरा काट दिया, पूरा एक बच्चे को काट दिया, काट करके उसको सब लोग देख रहे, बच्चे को पूरा काट दिया, काट करके के बक्सों के अंदर में उसको भर दिया, भर करके बोले जाओ इसको लेकर के समुद्र के बीच में फेंक देना, और उसको भर करके लेके समुद्र के बीच में फेंक दिया, फेंक करके जब आए, फिर उन्होंने दूसरे तरफ बुलाया उसका नाम, बोले बेटा आ जाओ, देखो बच्चा उधर से आ गया, सब लोग देखो ये क्या, हमारे सामने तो काट करके बक्स में भर कर उसको फेंकवा दिया, ये जिंदा कैसे। फिर उन्होंने दूसरे गुरुदेव ने दूसरे कथा सुनाए थे, फिर सरकार कलकत्ता में है बहुत बड़ा एडिटोरियर में, वहां पर जादू विद्या दिखा, बड़े बड़े उच्च शिक्षित लोग आए, उसने टाइम दिया 4 बजे, अंग्रेजी लोग उस समय 4 बजे मैं जादू विद्या में शुरुआत करूंगा, लोग
स्पिश सरकार जादू दिखाएगा, एकदम चार से पहले लोग आकर बैठ गए, जादू स्पिश सरकार जादू दिखाएगा, लेकिन चार बज गया आया ही नहीं। और जो अंग्रेजी लोग तो तुम टाइम का तो एकदम पूरा परफेक्ट, उनका टाइम जो बोलोगे ना, और भारतीय लोग जैसे नहीं चार बजे बोलोगे साढ़े चार पांच बजे आएंगे, टाइम में बोलोगे टाइम से पहले लोग आते हैं पूरा ऐसे विदेश में है उसको पहले आते हैं। और वो लोग अगर आगरे बैठे, चार हो गया घड़ी देख रहे नहीं आया, सवा चार हो गया नहीं आए, साढ़े चार हो गया आए नहीं आए, काली दिनास बोले कि इंडियन लोग ऐसे ही है, इनका कोई कांड ज्ञान नहीं है, इनका कोई बुद्धि विवेक नहीं, टाइम दिया चार बजे, हम चार इस बजे से पहले आ गए, अभी तक भी नहीं आए, तो पांच बज गया, लोग जो बेचैनी से हो गए ना, वो पान चिबाते हुए मस्ती से आ रहा है, पान चिबाते हुए जितने अंग्रेजी लोग थे और जो सीखी तो काले देना शुरू कर दिया। बोले क्या है तुम्हारे इडियट, तुम्हारे कोई टाइम का कोई ध्यान नहीं, चार बजे बोल दिया चार बजे से पहले, एक घंटा बाद में पान चिबाते हुए मस्ती से आ रहे। बोले बोले सही टाइम पर, सही टाइम क्या टाइम, बोले आप लोग सबके सब घड़ी देखो, सबके सब घड़ी देखो, सबके सब घड़ी देखना चार बज रहा सबका घड़ी में चार बज रहा था। उसने कहा ये मेरी पहला जादू है, ये मेरी पहला जादू। तो गुरुदेव कथा सुनाते थे, जब एक साधारण जादूगर हाथ की ऐसे सफाई दिखा सकता है, जिसकी एक भ्रुकुट से है, जिनकी एक इशारा पर क्या होता है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, तब फिर वो क्या जादू नहीं दिखा सकते है? पितामह भीष्म बाण मार मार करके जिसका कुछ भी नहीं कर पाए है, जिसको कुछ नहीं कर पाए, जिसने अग्नि को पान कर लिया, जिसने काली को सर के ऊपर नृत्य किया, ऊपर में कोई चिड़िया नहीं जा सकते हैं, जिसने अग्नि पान किया, जिसने है काले हरद में कूद पड़ा, जिसने गिरिराज उठाया, उनको एक बहेलिया ने बाण मार दिया, प्यार में लग गया और मर गया। सचिदानंद रूपाय, उनका जो रूप है सचित आनंदमय, हमारे जैसे शरीर नहीं, इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनका दिव्य रूप है। तब उन्होंने एक सुंदर कहानी सुनाई है, कहानी सुनाई, तब उन्होंने कहानी सुनाई, विश्वनाथ चक्र समझाए, गुरुदेव सब जो कथा बोलते ना लास्ट में, गुरुदेव सब कथा सुनाते थे मथुरा में। तब उन्होंने बोले, बोले एक समय कोई एक जादूगर एक राज दरबार में जादू विद्या दिखाने के लिए आया, और बोले आज आपका राज दरबार में अपना जादू विद्या हाथ की सफाई दिखाऊंगा। और राजा रानी मंत्री सबके सब लोग, राज्य के लोग आ गए, जादू विद्या सब बड़ा उत्साह चीज है ना, सबके सब आ गए। जब आ गए तो पति पत्नी उनके साथ में जो बच्चे थे आ गए, तो उन्होंने क्या जादू विद्या दिखाया, तो डंडे को गाड़ दिया, उसके ऊपर में एक रस्सी लगा दिया, और रस्सी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने जो जादू विद्या उन्होंने दिखाया, सारा लोग देख देख कर बाह बाह कर रहे थे, बोले वाह क्या विद्या क्या जादू, सब देख देख बाह बाह कर रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे। रानी तो इतने प्रसन्न हो गई, इतने प्रसन्न हो गई, उसने खुश होकर के ना गले में उसका जो गजमती हार था, वो हार को लेकर के उसकी पत्नी को गला दे दिया। जो दे दिया, इतने में उसको दो बेटे थे, इतने में एक साथ में दोनों बेटे ने झपटे, झपट करके वो जो हार था ना, दोनों दोनों तरफ से पकड़ लिए, पकड़ करके वो कह रहा है भैया मैं उसे लूंगा, दूसरा बेटा कहता है भैया मैं उसे लूंगा। अभी दोनों लड़ाई बच्चों में, और बच्चे कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, दोनों बेटे को पास में था तलवार, जब कोई छोड़ा नहीं, दोनों बच्चे अपना तलवार में निकाले, निकाल करके ना एक दूसरे भाई को गले पर मारे, एक साथ में मारे थे, दोनों का सर ही अलग हो गया, वहां लहू लुहान है, लहू लुहान। इसको देख करके उसको माँ ने देखा, मेरे दो बेटे चले गए, फिर मैं रह करके मैं क्या करूंगी। उसने उठाया उसी तलवार का, अपना सर काट दिया। जो जादूगर था बोले जो मेरे बच्चे और पत्नी गई, फिर मैं किसके लिए रहूंगा है, बच्चे के लिए कर रहा। उसने वो भी तलवार उठाया, अपना गले को काट दिया, और वहां तो खून खून में लथपथ हो गया। हे जितने लोग आए रहे था, एक सेकंड में ये काम हो गया, रुकने का फुर्सत नहीं दिया, और जितने लोग आ रहे थे इतने दुखी, उतने दुखी, रानी इतने दुखी हुई, गले मैंने क्यों ये हार दिया, ये हार ही जितने गड़बड़ी का कारण हार बन गया, सब दुखी हो गए, राजा दुखी हो गए। बोले एक काम कर, इनका शरीर ले जाओ, और इस शरीर को लेकर संस्कार कराओ। संस्कार कर दिया,
क्या हुआ, दो दिन बाद में एक लेटर आया। वो लेटर में लिखा, महाराज महारानी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उसी दिन आपका राज दरबार में मैंने जो हाथ की सफाई, जो मैंने जादू विद्या दिखाया था, अपने आपका पत्नी मेरे को एक हार प्रदान की थी। हाँ, पहला जो जादू विद्या दिखाया था, लेकिन लास्ट का जो मैंने जादू दिखाया, जो हाथ की सफाई, अभी तक तो आप उसको कुछ उपहार हमें दिए ही नहीं। हम मरे नहीं, हम पति पत्नी बच्चों को साथ में, हमारे एड्रेस ये एड्रेस है, हम यहीं पर रह रहे हैं। अगर आपका विश्वास नहीं हो, आप आकर के हमारे उपहार के साथ में आओ और हमें देकर दी जाओ। राजा के पास में जो ये पत्र पड़ा ना, राजा बोले, क्या वो जिंदा है? वो तो मर गया, अब दाह संस्कार किया उसकी, ये जिंदा है। रानी को बोला, रानी इधर आओ, ये पत्र को पढ़ो। रानी पढ़कर बोले, क्या जिंदा? मंत्री को बुलाया, सारा दुनिया सबको देखकर बोले, क्या जिंदे है? बोले, चलो हम चलते हैं, सचमुच क्या जिंदे है, चलो उसको उपहार को हार और कुछ उपहार लेकर के हम दर्शन के लिए जाते हैं। जब आए ना, देखा वो जादूगर अपना पत्नी दोनों बच्चों के साथ में खिलखिलाते हुए हंसते हुए फूलों की माला लाए और राजी रानी को गले में उन्होंने माला पहनाया। तो ये विश्वनाथ चकु ठाकुर जी कथा सुनाते हैं, सुना कर कहते, देखो एक साधारण जादूगर अगर ऐसे जादू विद्या दिखा सकता है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जो सृष्टि स्थिति करने वाले जो सबसे बड़े जादूगर, वो क्या नहीं कर सकता है? बहलिया ने मार दिया बाण, कृष्ण के प्यार में लग गया, मर गए, वो मर गए हैं। इसलिए विश्वनाथ चकु ठाकुर वहां तीन तरह का बात कहते हैं, बोले वहां तीन तरह का व्यक्ति, तीन तरह का चीज देखा। प्रभास कत्र गए हो? कौन कौन प्रभास कत्र गए? तुम्हें जाए चल, हर कोई नहीं गया। प्रभास कत्र में अभी भी एक वहां पर स्थान है, कहते जो साधारण व्यक्ति है ना, उन लोगों ने क्या देखा, कृष्ण ने शरीर छोड़े, उनका शरीर को जलाया। अभी वहां पर जाओगे ना, एक स्थान है, कहते यहीं पर कृष्ण को जलाया था, प्रस्ताव स्थान है। इसलिए कहते साधारण लोग इस रूप में देखे, लेकिन देवता लोगों ने क्या देखा, अपने कहते लीन सौदा में नहीं जाता है। कहते जो देवता लोगों ने देखा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और बिजली चमकते हुए क्या होता है, फिर अंतर ध्यान हो जाती है। इसलिए उन लोगों ने क्या देखा, देवता लोगों ने हठात कहीं एक बिजली जैसे चमकी और चमकते हुए फिर भगवान कहीं अंतर ध्यान हो गए, बोले देवता लोगों ने देखा। लेकिन ये ब्रह्मा शंकर क्या देखा, ब्रह्मा क्या परम वैष्णव है? हाँ, ब्रह्मा जी द्वादश महाजन में, महाजन हमारे गुरु वर्ग, शंकर तो वैष्णव नाम जथा संभु। कहते इन्हीं लोगों ने सही चीज को देखा, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानंती है, क्या है, हाँ। इसलिए कहते भक्त लोग ही मेरे को वास्तव रूप में, मेरे को अगर कोई समझने वाले है ना, केवल भक्त लोग ही मेरे समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या देखा, गोलोक वृंदावन से रथ आया, भगवान कृष्ण रथ में बैठे और उन्हें भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए जब गए, ब्रह्मा शंकर जी भगवान को स्वागत किया और ठाकुर जी अपना दिव्य धाम में ठाकुर जी चले गए हैं, चले गए। इसलिए कभी ये बात किया, सबको श्रृंगार कर दिया, लेकिन केवल दो चार वैष्णव को रख दिया। बोले यही यथेष्ट है। बोले किसको किसको रखे? बोले एक श्री विदुर जी को रखे, एक मैत्रेय को जी को रखे, एक श्री उद्धव जी को रखे, हैं उद्धव जी को रखे। ऐसे ही उन्होंने केवल दो चार वैष्णव को रख दिया। जैसे पति ने क्या किया, वो जो स्त्री इतना सब अलंकार पहने हुई थी, उन्होंने उतार दिया हाथों से, उतार करके केवल दो चार अलंकार रख दिया, कानों में, नाक में, गले में, प्यार में रख दिया। ऐसे ही बोले यही तुम इतने में बढ़िया लगती हो, आसानी से काम धाम कर सकती हो। बोले ये दो चार संत भगवान रख दिया, बोले इसी से ही पृथ्वी, हाँ पृथ्वी रूपी जो पत्नी, बोले इसी से ही तुम बहुत हो। इतने संत अगर रहे ना जगत में बहुत है। इसलिए जब इस जगत में कोई एक संत अवतीर्ण होते हैं, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न होती है। देखा एक प्रभुपाद आए, कितने जगत में कितने उन्होंने प्रचार किया और सारा दुनिया में लोग मठ मंदिर करके तिलक कंठ धारण करते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। ये पृथ्वी सबसे ज्यादा प्रसन्न किसमें होते हैं? इसमें ही होती है। वैष्णव को अपना हृदय में धारण करते हुए पृथ्वी खुश हो जाती है। इसलिए यहाँ पर श्री मुरारी गुप्त सोच रहे हैं, पता नहीं प्रभु क्या करते हैं नहीं करते, ये लीला को समझना कठिन है, इसलिए महाप्रभु से पहले मैं प्राण छोड़ दूंगा। उन्होंने क्या किया, एक धारवाल उन्होंने के तलवार लिया, तलवार लेकर के ना छुपा करके रखा, बोला आज रात को मैं अपना प्राण त्याग दे दूंगा। लेकिन महाप्रभु तो घटघट वाले सब जानते हैं, इतने महाप्रभु ने आगे घर में
आकर के महाप्रभु को आसन दिया। आसन देकर बोले मुरारी एक बात बताऊंगा मेरे को, मेरे बात सुनोगे? बोले प्रभु क्या बोल रहे हो, प्राणी आपके लिए बताओ क्या। बोले तुम जो खाट को नहीं चितना बड़ा जो तलवार रखा है ना इसको लेकर। बोले क्या बोल रहे हो आप, कौन सा तलवार है, हाय हाय आप क्या बोल रहे हो क्या। महाप्रभु बोलते हैं मेरे को बोलना पड़ेगा तो फिर मैं समझूंगा, है मेरे को बोलोगे फिर मैं समझूंगा, अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं ले आऊं। तो महाप्रभु स्वयं गए और जो धर वाले एक तलवार रखा था ना रात में आत्महत्या करने के लिए निकाल कर ले आए। बोले मुरारी मेरे जितने सब लीला है ना तुम लोगों को ले करके, अगर तुम लोग चले जाओगे तो फिर मैं लीला किसके लिए करूंगा, इसलिए कभी नहीं करना। महाप्रभु स्वयं मुरारी को अपना गोद में बैठाए, गोद में बैठाए महाप्रभु, और उन्होंने अपना हाथ को महाप्रभु लेकर के हैं, महाप्रभु मुरारी का हाथ को लेकर के अपना सर पर रखी, रख करके बोले खरो आज से तुमने ये प्रतिज्ञा करो कभी भी ये प्राण त्याग नहीं करना, कभी प्राण त्याग करना नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जे प्रसाद मुरारी गुप्त प्रभु करे तहा बांचे रमा आज अनंत संकरे। महाप्रभु ये मुरारी गुप्तों के ऊपर जो कृपा की है वो कृपा को कौन बांचा करते हैं, बोले लक्ष्मी ब्रह्मा अनंत और शंकर भी कभी ये कृपा को प्रार्थना करते हैं। महाप्रभु शंकर जी को कभी कृष्ण गोद में बैठाएगा, ब्रह्मा जी को कभी गोद में बैठाएगा ऊपर नहीं बैठाए, लक्ष्मी चरण की सेवा तो करती है, हाँ अनंत को कोई बैठा है नहीं बैठा है, इसलिए कहते जो कृपा उन्होंने इनको ऊपर किया है ना महाप्रभु स्वयं उनको गोद में बैठा करके हैं, महाप्रभु अपना हाथ को लेकर उनका सर पर रख करके इतने बड़े कभी कभी किया है, हैं कभी भक्त का सर कभी भगवान अपना सर पर रख करके बोले तुम प्रतिज्ञा करो कभी नहीं करो कभी ये किया है, कहते महाप्रभु मुरारी को ऊपर में ऐसे कृपा की। बोले श्री मुरारी गुप्त की, बोले श्री हनुमत लाल की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण निताई गौरंग जय निताई गौरंग अनिताई निताई निताई गौरंग जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि। बोलो हरे कृष्ण 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 हरि हरि। बोलो बोलो हरे राम 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 हरि हरि
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंद जय जय।